नमस्कार मित्रों, माता सीता रावण की नगरी लंका में कितने दिनों तक रही थी, इसको लेकर अलग अलग जगह अलग अलग समय लिखा हुआ है। कुछ के अनुसार माता सीता लंका में 12 माह अर्थात एक वर्ष तक रही थी, जबकि कुछ का मानना है कि माता सीता एक वर्ष से कम समय के लिए वहां रही थी। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। भगवान श्री राम को कुल 14 वर्ष का वनवास मिला था। जब उनके वनवास काल के 13 वर्ष समाप्त हो चुके थे, एक वर्ष समय शेष रह गया, तब रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किया गया। 4 मास बीत जाने के बाद माता सीता की खोज शुरू हुई तथा दक्षिण दिशा में भेजे गए वानर दल में से हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया था। इसके पश्चात राम रावण युद्ध हुआ। माता सीता को मुक्त करवाते ही भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठकर सभी के साथ अयोध्या लौट आए, अर्थात उनके 14 वर्षों का वनवास काल समाप्त हो गया। इसके अनुसार माता सीता लंका में 12 महीने या उससे कम ही रही थी, लेकिन पद्म पुराण में माता सीता के लंका में रहने की एक निश्चित समय अवधि बताई गई है, जिसके अनुसार माता सीता लंका में कुल 11 माह 14 दिन के लिए ही रही थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।